आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं राम मंदिर का ये प्रतिमा आपको नजर आएगा और देखिए इस वक्त तो पटना जो है वो पूरा मोदी में हो चुका है। राम मंदिर आपको यहाँ पर दर्शन करवा रहे हैं हम अपने कैमरे के माध्यम से। और अगर बात करें राम मंदिर को लेकर तो पीएम मोदी को हम कैसे भूल सकते। दरअसल आज पटना की सड़कों पर पीएम मोदी का रोड शो होना है और ये गिरधारी मंदिर का एरिया है, कदम कुआं का रास्ता है और इसी रास्ते से होते हुए पीएम मोदी का काफिला जो है वो जाने वाला है। और ऐसे में बिहार की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार है, रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है वो पटना की सड़कों पर आकर रोड शो करेंगे। ऐसे में लोगों में उत्साह काफी ज्यादा देखा जा रहा है। देश के पीएम मोदी पटना आने वाले हैं, वो भी पहली बार रोड शो करेंगे। देखिए बिहार आए हैं पीएम मोदी कई बार बट रोड शो उन्होंने कभी नहीं किया। यहाँ पर अगर देखिएगा आप तो प्रोजेक्टर लगे हैं, प्रोजेक्टर पे जब रात का समय होगा तो नजारा सोचिए कितना भव्य होने वाला है। मोदी मय का नजारा अभी से ही देखने को मिल रहा है। लगातार प्रशासन जो है वो एक्टिव है, क्या बड़े क्या बूढ़े, हर बच्चा बच्चा हर नौजवान सड़कों पर आ उतरा है। आप देखिए पीछे की तरफ आप नज़र अगर आप घुमाएंगे तो अभी से ही पीएम मोदी के आने का जो है वो हो रहा है। हम लोगों से बात करेंगे कि पीएम मोदी के आने को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो लोगों के बीच देखी जा रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं। पीएम मोदी पटना आ रहे हैं सर, पहली बार रोड शो, क्या कहेंगे? पीएम मोदी पटना आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? पटना आ रहे हैं, पटना का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और क्या चाहिए। लहर की अगर बात करें तो क्या लगता है, महागठबंधन की लहर है या मोदी मय का जो नज़ारा देखा जा रहा है? क्या मोदी मय का नज़ारा जो है मोदी मय है, हम क्या बोले, जिनसे पूछ लीजिए सब मोदी मय है। देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, युवा भी, इनसे भी बात करेंगे। पीएम मोदी पटना आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? आ रहे हैं तो अपना काम करेंगे और जाएंगे, और क्या करेंगे। रोड शो पहली बार हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ आज तक कि कोई देश का प्रधानमंत्री पटना का रोड शो। जनता रोड शो कर रहे हैं तो जनता से बात करेंगे और चले जाएंगे। रोजगार रोजगार का तो बात होगा नहीं, क्योंकि रोजगार के लिए मोदी जी नहीं है, राहुल गांधी है। रोजगार के लिए राहुल गांधी बने हुए, मतलब आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जगह राहुल गांधी अच्छे चेहरे हैं, तो ये जो है ये राहुल गांधी कहाँ थे उतना दिन से, कहाँ सुतल थे? हैं राहुल गांधी खाली मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं, हिंदू देश के अब हिंदू लोग कहाँ जाएंगे जी? हैं एक भारत देश मात्र बचा है हिंदू के लिए और यहाँ पे हर चीज मुस्लिम को मिलेगा, सब समान, बस समान देश लाने वाले बस और नरेंद्र मोदी है, एक समान मोदी है। यहाँ पे क्या है, हिंदू चैन से जी नहीं सकेगा, हिंदू चैन से मर नहीं सकेगा, हमेशा हिंदू ही पीड़ित रहेगा, हिंदू कभी पीड़ित नहीं रहेगा। और ये काम बस हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है और आज खुले समाज में अगर हम सांस लेकर जी रहे हैं, सांस उठा के जी रहे हैं, आज हमारे देश में राम मंदिर बन गया। 500 वर्ष से राम मंदिर, क्या हमारे बाप माई को जो आदमी बोलता है ना कि राम मंदिर से क्या हो रहा है, वही अपना बाप को वृंदावन और माता को वृंदावन आश्रम में छोड़ के आता है, अपनी बीवी के साथ रहता है और माँ बाप को ही करके आता है। क्या हमारे प्रभु राम मंदिर 500 वर्ष से झोपड़ी में रह रहे थे, ये लोगों को शर्म नहीं पड़ा? भगवान को आप झोपड़ी में रख रहे हैं, अगर एक महल में रख दिए तो क्या हुआ? और वहाँ से रोजगार नहीं बढ़ रहा है, किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? खाली सरकारी नौकरी चाहिए लोगों को, प्राइवेट वाला कुत्ता है क्या? प्राइवेट भी बहुत अच्छा चीज़ बन रहा है। मिनट कार, इन भैया जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनना अच्छा बात है, हमको भी लग रहा है कि अच्छा बात है, लेकिन रोजगार भी एक अच्छा करेंगे। वो अभी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी में रहते हैं और वो अभी मोदी जी का भक्त है, समझे? और जखने कहेंगे कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, दिए थी राहुल गांधी को देंगे वोट। मैम यही कहना चाहता हूँ मैं, सभी भाई यहाँ खड़ा है, सारा खड़ा है, कोई भी जात पर जात नहीं, राम रहीम सारा हिंदुस्तान में एक है, उससे कोई वास्ता नहीं। हम यही चीज़ चाहते हैं, हमको सुविधा और सुरक्षा, मेडिकल, शिक्षा, जो सरकार हमको दे रही है वो मेरे नज़र में, मेरे परिवार के नज़र में अच्छा है। और ये दुनिया देख रहे हैं कि किसके राज्य में कैसा है, कौन सुबह 6 बजे निकलता था, शाम में ढुकने घर 6 बजे के बाद नहीं, अब कौन चल रहा है रास्ते पे, कौन नहीं चल रहा है। तो पीएम मोदी का आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से ही ये सारा सुविधा मिल रहा है, स्वतंत्रता है, सारी सुविधाएं मिल रही है, सारा सुविधाएं मिल रही है। कांग्रेस की सरकार में एक चीज जान रहे हैं, कमाएंगे तभी खाने के लिए मिलेगा। सरकार ये नहीं कहती कि आप घर बैठिए हम खाना देंगे, या बोले कोई नाला साफ कर रहा है तो कोई कहीं कोई कुछ काम कर रहा है, कहीं कचरा साफ कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। जब तक ये काम कहीं करेंगे नहीं, हमारा पेट भरेगा नहीं, भरेगा नहीं। नरेंद्र मोदी तो भगवान है, प्रभु श्री राम है, और क्या बोलना है भगवान के बारे में, और क्या बोल सकते हैं? श्री रामचंद्र जी के बाद मोदी ही है, नरेंद्र मोदी भगवान है, गॉड 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 गॉड। जिनको क्षमा मांगना है
तो उनको पैर पकड़ के क्षमा मांग लीजिए, 400 पार है, कहा गया 400 पार का तो दावा है, 423 एक्चुअल है, 423 एक्चुअल रिपोर्ट है। उसका अगर बात करें तो कहता है कुछ नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं नहीं भैया, सब कुछ का दें, रोड दें, काम है बोलना भाई, मकान दें, बर्दाश्त कर चुके हैं। जब 5 साल बर्दाश्त कर चुके हैं तो अब समय कहाँ रहा, कुछ दिन और तो बर्दाश्त कर लें। पहले हम लोग लगाएगा कि क्या है गैस के लिए, 1 किलोमीटर लाइन रहता था गैस के लिए, आज क्या है कि नंबर लगाइए बिहाने गैस घर में। गरीब कौन है हमको बता दे, गरीब कौन है, हाथ उठा के बता दे गरीब कौन है, गरीब कौन है, जो गरीब है उसके घर में मोटरसाइकिल का चक्का से दो को खड़ा हुआ गरीब है, गरीब है, गरीब कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है। फोर व्हीलर हमारा यहाँ क्षमता नहीं है, तब वो फोर व्हीलर रखे हुए हैं। हम गरीब हैं, कमा नहीं रहे, लेकिन ठीक है मोदी सरकार है, राशन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, अरे का दे, रोजगार भी तो दे ही रहे हैं, रोजगार बिक रहा है, सरकार भी रोड कहते हैं बिक रहा है। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो जनता है उसमें खास उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी शाम के समय इसी रास्ते से होते हुए गुजरेंगे, पहली बार रोड शो जो है नरेंद्र मोदी पटना में कर रहे हैं। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि लगातार जो विपक्ष कहती है कि रोड शो करवा ले चाहे कुछ भी करवा ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद, रोड शो के बाद कितना प्रभाव जो 4 जून को परिणाम आएगा उस पर पड़ने वाला है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं यति सिंह, दर्श न्यूज पटना।